वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इतिहास दे विच एक बहुत ही सुंदर साखी है भाई भिखारी जी की, जिसका वर्णन अज मैं आप जी के सामने करन जा रहा हाँ। एक बार एक गुरसिख जिसका नाम भाई गुरमुख सी, वो गुरु अर्जन देव जी पातशाह जी के सामने बेनती करता है कि हे पातशाह, असी सारे सुख दुख दोनों सम कर जाना, और मान अपमाना हर एक सोग ते रह अतीता, तिन जग तत् पछाना। ये पंक्ति असी सारे गुरसिख पढ़ते हाँ, पर कि असल दे विच कोई गुरसिख ऐसा है जो इस पंक्ति नूं अपने हिरदे विच वसा के आप जी दा भाणा मनदा होवेगा? पढ़ता असी सारे ही लैंदे हाँ कि कोई ऐसा सच्चा गुरसिख है, पूर्ण गुरसिख है जो इस पंक्ति नूं धारण करदा होवे। गुरु अर्जन देव जी ने गुरमुख नूं कहा कि गुजरात दे विच अपना एक बहुत प्यारा सिख है जिसका नाम भाई भिखारी है, तू जाके उसनू मिल, कुछ समा उस दे नाल बतीत कर, फिर तेरा शंका दूर हो जाएगा। गुरु जी तो आग्या लैके भाई गुरमुख उत्थों गुजरात वल नू चल पिया। जदों वह भाई भिखारी दे पिंड पहुँचया तो देखदा कि एक दुकानदार अपने गाहक दे नाल एक पैसे दे घिओ पिछे बड़ा झगड़ा कर रहा सी। झगड़ा देखन तो बाद फिर वह भाई भिखारी जी दे घर आ गया, कुछ समा आराम किया। कुछ समय बाद भाई भिखारी जी घर आए तो देखदा कि यह उही इंसान है जो दुकान विच एक पैसे दे घिओ पिछे अपने ही गाहक नाल झगड़ा कर रहा सी। उस गुरसिख ने दसिया कि मैनू पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी ने आप जी दे दर्शन करन लई भेजिया है। यह सुन के भाई भिखारी जी बड़ा खुश होए, उन्हां दा बहुत सत्कार कीता, उन्हां नू लंगर पानी छकाया। लंगर छकाउण तो बाद आप जी ने उन्हां दे हत्थ घिओ नाल धवाए। ये देख के गुरमुख बड़ा हैरान होया, उसदे मन दे विच सवाल आया। उसने पूछया कि जद मैं आ रहा सी तुहाडे पिंड वल तां मैं देखिया तुसी दुकान विच एक पैसे दे घिओ पिछे अपने ग्राहक नाल झगड़ा कर रहे सी, ते इत्थे तुसी मेरे हत्थ घिओ नाल धवा रहे हो। फिर भाई भिखारी जी ने कहा कि वो मेरी किरत सी ते ये मेरा कर्म है, तुसी गुरु अर्जन देव जी दे सिख हो, तुहाडी सेवा करन दा सुभाग जो मैनू प्राप्त होया है वो मैं किवें गवा सकदा हाँ, ये मेरी सेवा है। पर अजे भी गुरमुख दे मन दे विच ओह शंका दूर नहीं हुई। उस समय भाई भिखारी जी दे पुत्तर दा विआह सी, ता घर विच बहुत रौनकां लगियां होईयां सन, किधरे मिठाइयां बन रहीआं हन, लड़ियां लगियां होईयां हन, दीवे लगे हुए हन, इस्त्रियां शब्द गा गा के खुशी मना रहीआं हन, गीत गा रहीआं हन। ते गुरमुख देखदा है कि एक कमरे दे विच चिता दा समान सीढ़ी रखी हुई है। उसदे मन दे विच सवाल आया कि विआह वाले घर दे विच चिता दा समान क्यों पिया है। उसने भाई भिखारी जी नूं पुछया तां भाई भिखारी जी ने कहा कि समा आउण ते तैनूं इस गल दा जवाब भी देंगे। अगले दिन बरात चढ़ी, बहुत खुशियां मनाईया गईयां, खुशियां नाल नूं राणी नूं घर लै के आए। गुरमुख भी उत्थे ही रहिंदा रहा दो चार दिन। विआह तो दो कु दिन बाद भाई भिखारी दे पुत्तर दी मौत हो गई, जिसका विआह होया सी उस पुत्तर दी मौत हो गई। जो इस्त्रियां गीत गा रही सन वह वैण पाउण लगियां,
दुख मनाउण लगियां, रोण लगियां, विरलाप करन लगियां, पर भाई भिखारी जी ते कुछ खास असर ना होया। उन्होंने अपने पुत्र दे शरीर नूं चुकिया अते उही सीढ़ी उत्ते चिता दा समान जो रख्या होया सी उस उपर रख के शमशान घाट जाके उन्हां दा संस्कार करके चुपचाप आके घर विच बह गया। ये सब देख के गुरमुख बड़ा हैरान होया। उसने भाई भिखारी जी नूं कल्ले विच मिलन लई कहा अते पुछया कि अगर तुहानू पता ही सी कि तुहाडे पुत्र दी मौत हो जानी है तां तुसी गुरु अर्जन देव जी पास बेनती करके उसकी उम्र आयु वधा लेंदे, या अगर तुहानू पता ही सी तुहाडे विच शक्ति सी भविख देखण दी तां तुसी आप ही अपनी शक्ति नाल उसकी उम्र वधा लेंदे या पंचम पातशाह अगे अरदास कर लेंदे। भाई भिखारी जी ने इसका उत्तर दिता कि जो मनुख अपनी शक्तियां नाल अपने दुख कटते हैं वो दरगाह दे विच कदे भी परवाह नहीं होंदे। असली गुरसिख उही है जो प्रभु दे भाणे नूं मन के दुख नूं भी स्वीकार करता है अते सुख नूं भी स्वीकार करता है। जो मनुख अपनियां शक्तियां दे नाल अपने शरीर दे रोग कष्ट दूर करदे हन वह दरगाह दे विच परवान नहीं हुंदे, ते जिहड़े मनुख किसी दूजे मनुख की खुशी नूं देख के शराप दिंदे हन जां बुरा बोल कढ़दे हन वह भी दरगाह दे विच आदर सत्कार दे योग नहीं हुंदे, उन्हां नूं भी दरगाह दे विच माण प्राप्त नहीं हुंदा। असली गुरसिख उही है जो प्रभु दे भाणे नूं मन के सुख नूं भी प्रवान करता है ते दुख नूं भी प्रवान करता है। फिर गुरमुख दे मन दे विच एक होर सवाल आया। उसने कहा कि अगर तुहानूं पता सी तुहाडे पुत्र दी मौत हो जानी है तां तुसी उस बेचारी लड़की दा जो विआह कीता है उसकी सारी जिंदगी खराब कर दित्ती, उसका पति तां चला गया, हुण उह कल्ली किवें रहेगी। फिर भाई भिखारी जी ने कहा कि मैनूं दिव्य दृष्टि दे नाल पता लगा कि उसके कर्मां दे विच यही लिखा होया सी कि उसने सारी जिंदगी बिना पति दे रहना, विधवा दी जिंदगी बतीत करनी है। ये सुन के गुरमुख दे मन दे विच जो भी शंके सी वह सब दूर हो गए अते खुश हो के भाई भिखारी जी नूं प्रणाम करके उत्थों वापस गुरु अर्जन देव जी पास आ गया। इसे करके गुरबाणी दे अनुसार गुरसिख नूं सुख अते दुख दोवें एक समान करके जानने चाहिए हन, माण ते अपमान नूं भी एक समान जानना चाहिए है। दुख सुख दो सम कर जानै, बुरा भला संसार, सुध बुद्ध सुरत नाम हर पाईऐ, सत संगत गुर प्यार। सुख दुख सम कर जानी है, शब्द भेद सुख होए, जे सुख देहे ता तुझै अराधी, दुख भी तुझै त्याई, जे भुख देहे ता इत ही राजा, दुख विच सुख मनाई। गुरु जी कहिंदे कि जे परमात्मा तू सानू सुख दिंदा है तो असी तां भी तेनू तेरी आराधना करांगे, तां भी तेरा भाणा मन्नांगे, जे तू सानू दुख दिंदा है तो असी तां भी तेरी आराधना करांगे, तां भी तेनू ही ध्यावांगे। अजकल असी देखते हाँ कि थोड़ा जा दुख आउण ते असी रब ही बदल दिंदे हाँ, गुरु ही अपना बदल दिंदे हाँ, डेरियां ते बाबियां कोल चले जांदे हाँ। जे भुख देहे ता इत ही राजा, दुख विच सुख मनाई। हे परमात्मा, जे तू सानू भुख देवेंगा भाव खानू रोटी नहीं पी देंगा तां भी असी इतने विच खुश हाँ, दुख दे विच भी सुख मनावांगे। इसे नूं असली गुरसिख कहिंदे हन जो परमात्मा दे भाणे नूं मनदा है। दुख ना ही सब सुख ही है रे, एक है एक ही नेता, बुरा नहीं सब भला ही है रे, हार नहीं सब जीतै। गुरु जी कहिंदे दुख कित्थे है,
सब सुख ही सुख है, कोई भी बुरा नहीं है, ते असी भले नहीं हाँ, किते भी हार नहीं है, सब जगह जित ही जित है। असी इदा समझते हाँ कि गुरबाणी पढ़न नाल, सिमरन करन नाल साढ़े दुख कलेश दूर हो जाएंगे, पर जबकि इदा नहीं हुंदा। जिदा साढ़े कर्मां दे विच लिखा है सानू वह भोगना ही पैना है, मतलब हुंदा तां उही सब है जो परमात्मा चाहुंदा है, पर सिमरन करन दे नाल, परमात्मा की भगती प्राप्त करन दे नाल जो दुख साढ़े उत्ते आउंदे हन, वह दुख भी असी हस के सहार लैंदे हाँ। सानू वह दुख दुख लगते ही नहीं, वह दुख भी सानू सुख ही लगते हैं। इस करके सानू परमात्मा का सिमरन करना चाहिदा है, वाहिगुरु का सिमरन करना चाहिदा है, जिस नाल साढ़े अंदर सबर संतोख आ जाएगा। ते दुख सुख दोऊं सम कर जाना, बुरा भला संसार, शुद्ध बुद्ध सुरत नाम हर पाईऐ, सतसंगत गुर प्यार, जे सुख देहे ता तुझे अराधे, दुख भी तुझे तिहाई, जे भुख देहे ता इत ही राजा, दुख विच सूख मनाई वाली अवस्था बन जाएगी। गाविए सुनिए मन रखिए भाओ, दुख पर हर सुख घर लै जाए, दुखां दा नाश हो जाएगा ते सुख ही सुख आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। इतनिया ही बेनतियां नूं प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।